नमस्कार, आईडीपी 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विराट दुबे। हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले भाजपा के पूर्व विधायक युधवीर सिंह जुदेव एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री समेत आईएएस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने दावा किया है कि आज जिस तरह से कांग्रेसियों के दबाव में आकर शासकीय अधिकारी कार्य कर रहे हैं वह बहुत ही निंदनीय है। चाहे एसडीएम हो, कलेक्टर हो या आईएएस हो, अपनी औकात में रहे, नहीं तो उसके सबक सिखाने के लिए युधवीर सिंह जुदेव ही काफी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम लिए बगैर युधवीर सिंह जुदेव ने आगे कहा कि कांग्रेसियों के पक्ष में यदि सीएम भी फोन करता है तो उसे भी युधवीर सिंह जुदेव देख लेगा। युधवीर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने सीएम को भी बाबू बनते देखा है। इस बारे में उन्होंने कहा कि अजीत जोगी का उदाहरण दिया जा सकता है। दरअसल विवाद की शुरुआत जसपुर के पत्थलगांव नगर पंचायत से हुई। लंबे अरसे के बाद यहां कांग्रेसी अपनी सत्ता लाने में कामयाब रहे हैं। यहां के पंचायत भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में ठाक संपन्न हुआ, लेकिन जब नवनिर्वाचित पार्षदों के सम्मान की बारी आई तो सिर्फ कांग्रेसियों के पार्षद का ही सम्मान किया जा रहा था। इसे लेकर भाजपा के स्थानीय नेताओं ने नगर पंचायत में जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि सम्मान को लेकर सीनियर और जूनियर का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, सिर्फ सत्ताधारी कांग्रेस के पार्षदों के सम्मान को लेकर पंचायत में मौजूद अधिकारी काफी जोर दे रहे हैं। मौका में रहे मैं बोलूंगा, 2% का अधिकारी है और तनख्वाह लेता है जनसेवक के रूप में। अगर औकात में नहीं रहेगा एसडीएम या कलेक्टर या कोई भी आईएएस अधिकारी तक नहीं रहेगा तो युधवीर सिंह जुदेव काफ़ी उसको सबक सिखाने के लिए कि सर शासन के ऊपर हमको भरोसा नहीं है, हम अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं और पत्थलगांव में भी हम अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं, हमको सरकार और पुलिस की ज़रूरत नहीं है। कितना भी बना लें, मुख्यमंत्री फ़ोन करेगा ना, मुख्यमंत्री को हम लोग बाबू बनाते देखे हैं अजीत जोगी को, किसी को ये औकात नहीं है जसपुर में जो हमारे ऊपर हावी हो। तो रोचक और लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ आईडीपी 24 न्यूज पर। और हाँ, हमें यूट्यूब में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।